मुस्लिम समाज ने अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए अपने अपने मरहूमों के नाम पौधारोपण कर समाज में पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। दुर्ग कब्रिस्तान में गुरुवार को मुस्लिम समाज के द्वारा एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। समाज के बीच पर्यावरण बचाने संदेश दिया गया है। इसी कड़ी में दुर्ग गंजपारा कब्रिस्तान में अपने अपने मरहूमों के नाम से फलदार व फूलदार पौधे लगाकर प्रकृति से पर्यावरण की सुरक्षा किए जाने का महत्व बताते हुए पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कब्रिस्तान पहुँचे परिवार के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। आज के समय में जब प्रदूषण इतना बढ़ गया है तो पर्यावरण ही एक वो माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम आबो हवा में एक खुशनुमा माहौल पैदा कर सकते हैं, और जहां इंसान को आज दफनाया जाता है वहां एक सुकूनियत भरा माहौल भी मिल रहा है। और ये पैगाम आने वाले बरसों तक लोगों को याद रहेगा कि एक पौधा कितने लोगों को ज़िंदगी दे सकता है, और जो खामोश निंद्रा में सोया है उन्हें भी ये महसूस होगा कि उनके बाद उनकी याद में जो पौधे लगाए गए हैं। और जीवन में सभी को पर्यावरण करना चाहिए ताकि आबो हवा अच्छी रहे, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। पर्यावरण मैंने भारतवर्ष में बहुत आवश्यक है, जिससे कम से कम आबो हवा सही होती है, बीमारियां दूर होती हैं, और दरख्तों से मतलब जो है और भी एटमॉस्फेयर को फ़र्क पड़ता है, गर्मियों में फ़र्क पड़ता है, मौसम में फ़र्क पड़ता है, बारिश में फ़र्क पड़ता है, तो इनका बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने पर्यावरण के हेतु हमारी बहू जब हमने यहाँ दफन किया तो उसका आज 40वां है, उनकी याद में मतलब कब्रिस्तान के अंदर कुछ पेड़ पौधे लगाए गए जो बड़े होकर मतलब जलवायु की मदद करेंगे। जिस तरह के शहर में जो इन्वायरमेंटल में जो पोल्यूशन फैला हुआ है, और आज बारिश के टाइम पे सब जगह वृक्षारोपण का सबसे अच्छा समय यही बारिश का मौसम है, इसके सिलसिले में कब्रिस्तान में सबसे अच्छी तरीके से वृक्षारोपण किया गया, एक पहल की गई है। आने वाले लोगों के इस पे समय पर और भी ध्यान दिया जाएगा, और दुर्ग शहर के अंदर भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि समय समय पर वृक्षारोपण होता रहे। अपने मरहूमों की याद में कब्रिस्तान में किया जा रहा पौधारोपण का कार्य बेहद सराहनीय है। इसी तरह हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।